दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ माई इंट्राडे में। दोस्तों, कल क्या बताया था? जो बताया था, मार्केट ठीक वैसा ही चला। जो लेवल मैंने आपको लिख दिया था कि बैंक निफ्टी में 33,700, नोट कर लीजिए, 33,700 आया। दोस्तों, ये मार्केट कुछ भी नहीं है। अगर आप इस कैंडल को पढ़ना जानते हैं तो इस मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डेली पैसा बना सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैंडल कह क्या रही है। आप देखिए, कहीं भी मार्केट ने बाई का सिग्नल दिया ही नहीं है, कहीं भी मार्केट ने बाई का सिग्नल, और यहाँ तो बाई बना ही नहीं है क्योंकि इसने अपने पहली कैंडल के हाई को ही ब्रेक नहीं कर पाया। और जब मार्केट पहली कैंडल के हाई को ही ब्रेक नहीं कर पाता है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में बाइंग साइड में बैठना ही गलत है। आज बहुत सारे लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखकर अच्छे ट्रेड लिए। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की मेहनत पर पैसा बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। थैंक यू गुरुजी, आज का प्रॉफिट, आपका लेवल कमाल का था। सिर्फ 3600 के पुट लिए थे सुबह से, गुड। इनका प्रॉफिट देख रहे हैं आप? इनका प्रॉफिट है 2,94,878। प्रॉफिट देखिए आप, 2,94,878। यानी अगर मार्केट का एनालिसिस आपने सही कर लिया तो 3 लाख रुपया भी एक दिन में बनाया जा सकता है। ठीक है, वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और बहुत सारे मैसेज मिले। वैसे तो मैंने मैसेज डालना बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आज दिल खुश हो गया, लोगों ने अच्छा पैसा बनाया तो मैंने ये मैसेज डाले। सर, मेरे कैपिटल बहुत छोटा है बट आपके हेल्प से बहुत अच्छा चल रहा है। ये क्या होते हैं? ये जो मैसेजेस हैं वो हमको एनर्जी देते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए, 8,352, 34,000 का पुट, 34,200 का पुट, मतलब बिल्कुल तरीके से लोगों ने ट्रेड किया, इसलिए मेरा दिल खुश हो गया। बाकी और प्रॉफिट बनते रहते हैं, लॉस होते रहते हैं, लेकिन जो मैंने कल वीडियो में बताया आपने उसका ध्यान रखा इस बात से। विथ योर हेल्प सर, कल के क्लास का बेनिफिट, ये हमारा अभी मार्च का जो बैच चल रहा है उनके स्टूडेंट हैं, तो ये देखिए, 30,282 का प्रॉफिट, 30,282 का प्रॉफिट, ये हमारे मार्च के स्टूडेंट, मार्च 20, लगभग एक साल हो गया, ये एक साल पहले के हमारे स्टूडेंट हैं। मार्च 20, इस समय मार्च 21 आ गया है। तो दोस्तों, जब हमारी मेहनत का परिणाम मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेज थे। वैसे तो मैंने मैसेज डालना बंद कर दिए थे, लेकिन अच्छा लगा आज आप लोगों ने, मैं जिस तरह से चाहता था कि आप ट्रेड करो उस तरह से आपने ट्रेड किया तो मेरा दिल खुश हो गया। देखिए क्या लिखा है, जैसे आपको बोला है सर कि 4,000 के ऊपर प्रॉफिट का ही स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आज भेज रहा हूँ आपको। ये अभी छोटे छोटे में ट्रेड करते थे, अब इन्होंने धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाई है, आज 8,250 का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया। तो आपको पता होगा कि मार्केट में बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे मैसेज। और एक मैसेज आपको पढ़ देते हैं, ये देखिए, छोटे बालक जैसे आपने मुझ पर भरोसा रखते हुए, वैसे ही आपने गुरु के नाटों पर भरोसा रखना चाहिए। कल सर ने कहा था कि बैंक निफ्टी 33,700 तक जा सकती है, तो मैंने कुछ सोचे सोचे बिना पुट बाई किया 8 रुपये में और सेल किया 108 रुपये में। तो दोस्तों, अच्छा लग रहा है। खैर, ये तो बात हो गई, आज का समय बीत गया, कल क्या होगा उसके ऊपर हम लोग आते हैं कि कल क्या हो सकता है। और मैंने ये 33,700 जो आपको बताया था वो मैं आपको एक बार सुनवा भी देता हूँ, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देखिए, सुनिए जरा। देखिए, निफ्टी बैंक भी आपको 4 रेड कैंडल दे चुका, 1, 2, 3। और अगर आप देखेंगे तो इसके बाद यहां
थ्रू आउट नहीं गिरता है, मार्केट हमेशा जिगजैग फॉर्म में चलता है। तो हम ये चाहेंगे कि कल के दिन मार्केट यहाँ पे कहीं पे होल्ड कर जाए, और होल्ड करने के बाद जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक तेजी से मूव आएगा, जो इसको नोट कर लीजिए 33,700 यहां तक पहला टारगेट। तो दोस्तों आपने सुना कि मैंने आपको कल क्या बताया था। मार्केट बिल्कुल वैसे ही चलता है अगर आपको इन कैंडल को रीड करना आता है। इस समय मार्केट की कंडीशन क्या है? मार्केट ने इस जगह ओपन हुआ, ये इसने लो बनाया और पिछले 4 दिन से लगातार लो बना रहा है। अगर हम इसकी डेली कैंडल पर चलें, पहले हम इसके डेली चार्ट पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि डेली चार्ट की स्थिति क्या है। ये देखिए डेली चार्ट की स्थिति, ये देखिए ये डेली चार्ट की स्थिति। यहाँ पे मार्केट पूरा कंफ्यूज था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन यहाँ मार्केट कंफ्यूज नहीं है। आप देखिए जब मार्केट गिरता है तो कितनी जल्दी, यहाँ पर भी देखिए ये इसने टॉप बनाया था, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 मार्केट अपनी हिस्ट्री दोहराता है। और इस 5 कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल, इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ भागा है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि कल के दिन यहाँ पे अगर मार्केट हॉल्ट कर लेता है, मैंने कल भी वीडियो में बोला था, आज भी मैं वीडियो में यही बात बोल रहा हूँ, हमें चाहिए अच्छे प्रॉफिट के लिए मार्केट क्या करे, इस जगह पर हॉल्ट कर ले। अगर हॉल्ट करता है और इस लो को तोड़ता है तो इसका अगला टारगेट अभी से लिख लीजिए 14,250। बड़े आराम से ये मार्केट इस जगह आएगा जब भी ये इस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलेगा, यानी अभी भी लगभग लगभग 300 पॉइंट का डाउनफॉल संभव है। इसलिए बाई करने में जल्दबाजी मत करिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, बाई करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, अभी सेल साइड में है। कल के दिन आप ट्रेड मत करिए, मार्केट को कुछ करने दीजिए, अगर लो ब्रेक करता है तो ही ट्रेड करिए, वरना कल के दिन आप बैठिए, शांत बैठना भी पैसा बचाना ही होता है। तो चलते हैं हम लोग अपने 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। बिल्कुल सिंपल तरीका, यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अब अगर आप देखोगे तो अभी बाइंग कहीं पर भी नहीं बन रही है, यहां पर बाइंग कहीं पर भी नहीं बन रही है। आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन है ये वाली, इस ट्रेंड लाइन को आप बना लीजिएगा, जब जब मार्केट इस पर आए आपको सेल करना, जब जब मार्केट इस पर आए आपको सेल करना है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर दे तो उसके ऊपर ही आप जाकर बाई करेंगे, वरना कल के दिन कोई ट्रेड मत करिएगा। इस अगर लो टूटता है तो एक ट्रेड बनता है, आप चाहो तो निफ्टी को सेल कर दो या फिर आप चाहो तो पुट बाई कर सकते हो। लेकिन नीच चूंकि 4 दिन से मार्केट गिर गया है तो पुट बाई जो करना वो एट द मनी वाली करना। हमने ये कह दिया कि 14,250 तक जा सकता है तो 14,250 वाला मत करना। और मार्केट नीचे जाने के बाद दोबारा इसी रेंज में घुस गया, आपको तुरंत एग्जिट करना है अपने पुट से, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कल के लिए तो मैंने आपको बता दिया, ये ट्रेंड लाइन आप ध्यान रखिएगा, इसके अलावा बाई बनता नहीं है। मार्केट कल इस जगह हो सकता फ्लैट ओपन हो सकता गैप अप ओपन हो सकता गैप डाउन ओपन हो, इसको प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा। और प्राइस एक्शन बनाकर अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो आप बाई करेंगे, इस लाइन को ब्रेक करता है तो आप सेल करेंगे, सिंपल, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट जो है बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर आप ध्यान से ऊपर बैंक निफ्टी नहीं लिखा होगा तो आपको लगेगा कि निफ्टी का ही चार्ट है, सेम तरीके से इसने भी मूवमेंट दी हुई है और यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन बन रही है,
जब जब इस ट्रेंड लाइन पर आएगा आप क्या करोगे, सेल करोगे। मार्केट यहाँ गया आप सेल करोगे, यहाँ आया आप सेल करोगे, और लो के नीचे जाएगा तो आपको सेल करना ही है। जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके ऊपर की तरफ चलना नहीं शुरू करेगा, हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। देखिए पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा आपका चला गया जल्दबाजी में तो फिर आप अगले दिन ट्रेड कैसे करोगे, तो आप समझ सकते हैं। और बाकी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए जो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट हैं और इस बार कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों को मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी 34,445, आप देखिए यहाँ से 34,445 को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और जैसे ही इसने 34,445 को ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ, 34,445 से 33,700, लगभग 700 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। ऐसे ही हमने निफ्टी में भी ड्रॉ किया था। ये देखिए निफ्टी में मैंने जो ड्रॉ किया था मार्केट में वो ये था। देखिए मार्केट यहाँ गया, यहाँ इस लाइन को रुक नहीं पाया इस लाइन पर, और यहाँ से सीधा वापस लौटा है तो इस सपोर्ट तक आया है 14,668, और 14,668 पहले भी बना चुका है। ये देखिए यहाँ पे भी 14,668 से इसने बाउंस लिया था, यहाँ पे भी 14,668 पे बाउंस लिया था। तो ये वही है, मैं अपने स्टूडेंटों से बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने लाइव क्लास में आपको बना के दिखाया था, इसमें मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं की है। आप उस क्लास को इस क्लास से कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सेम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मैंने मार्क करवाए थे, आज भी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं और वर्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। मैंने अभी आपको बताया बैंक निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, इसको जब भी टच करने आएगा हम एक सेल करेंगे, जब भी टच करने आएगा हम सेल करेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और 10 से 15 मिनट हॉल्ट करता है, उसके बाद हम इसमें बाइंग करेंगे, और केवल इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेकर। तो ये हमारा बैंक निफ्टी के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के लिए। देखिए मार्केट को जितना ज़्यादा आप इसमें घुसेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप परेशान रहेंगे। मार्केट को बिल्कुल सिंपल नज़रों से देखिए, मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा आप अगर सोचोगे आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो आपको इससे ज़्यादा सोचना नहीं। हम बात करते हैं क्रूड की, जो कि हम रोज़ आपको लेवल्स दे रहे हैं क्रूड का। आप जो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए है। देखिए मार्केट जहाँ से ओपन हुआ है, इस जगह से मार्केट ओपन हुआ था, कल की बात बता रहा हूँ, यहाँ से ये नीचे गया और इसने ये लो बनाया। ये पहले भी बना चुका है। यहाँ पर इसने फिर से लो बनाया, यहाँ पर इसने फिर से लो बनाया, यहाँ पर इसने फिर से लो बनाया। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर, सॉरी लाइन तिरछी हो गई, फिर से बनाता हूँ, यहाँ पर ये जो लाइन है इस लाइन का सपोर्ट बार बार ले रहा है। अगर मार्केट इस लाइन पर दोबारा आता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मार्केट इस लाइन पर कई बार सपोर्ट ले चुका है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको 50 पॉइंट तक का, 30 से 50 पॉइंट तक का एक शार्प मूव मिल सकता है। लेकिन अभी हम यही देख रहे हैं कि ये होल्ड कर रहा है, इस रेंज में होल्ड कर रहा है। इस रेंज के ब्रेक होने पर आप यहाँ पर एक एंट्री बनाइएगा बाई साइड में, जो आपको 30 से 50 पॉइंट देगा, और इसके बाद आप इसमें सेल की एंट्री बनाइएगा। यहाँ भी आपको 30-50 पॉइंट्स आसानी से मिल सकते हैं। बात करते हैं कॉपर की। कॉपर मेरे को सुबह जिन लोगों ने कॉल करके पूछा था सर कॉपर में क्या करें, तो मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि इसको बाई करिए 678 लेवल के लिए, और बिल्कुल एग्जैक्ट 678 टच करके मार्केट वहीं से नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो आजकल मार्केट में एक चीज़ और हो रही है, उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ये देखिए इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, मार्केट ने एकदम से स्टॉप लॉस उड़ाया और फिर वहीं आके खड़ा हो गया। ये देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग, कॉपर जैसे कमोडिटी में स्टॉप लॉस हंटिंग
लोगों का बहुत पैसा डुबो देता है, क्योंकि 1 रुपये में 2500 रुपये मिलते हैं, और अगर आप देखें 6,676 से 678 यानी 5,000 रुपये, यानी आप अगर 2 रुपये का भी एसएल लेके चलोगे तो वो उड़ा के और वापस उसी जगह आ जाएगा, और उस स्थिति में आपको बहुत कष्ट होगा। तो दोस्तों, आज की जो स्थिति है मार्केट में, मार्केट अभी भी कहाँ पर है, बाइंग पोजीशन पर है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। सिर्फ एक चीज आज के लिए, एक ये कैंडल जो अभी बनी है, मैं तो बिल्कुल करेंट लेवल की बात करता हूँ, 17:28 अभी हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, केवल इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कर ही नहीं रहा हूँ। इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाई कर लीजिएगा, इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, जब तक इस एक कैंडल का मूवमेंट चल रहा है आप कुछ मत करिएगा, और अगर आपको सेल करना है तो इसी के लो के नीचे आप सेल कर दीजिएगा, और यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कितने पॉइंट का, अगर मैं इस पर रखूँ तो यहाँ पे आपको हाई और लो दिखाई देगा, मैंने इस पर रखा, ये 75.90 से 77.15 तक है, यानी सीधी सी बात हो गई 675.90 के नीचे जाए, 5 पैसे नीचे भी जाए आप सेल कर सकते हो, 677.15 प्लस 5 पैसे का बफर लगा लो, 677.20 का स्टॉप लॉस लेके। अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है तो 677.20 पे आप एक बाई पोजीशन बना सकते हो इसी का स्टॉप लॉस लेकर, और उसके बाद आप 2 से 3 रुपये का मूव आसानी से कैप्चर कर सकते हो। तो ये कॉपर की बात हो गई, बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस उस दिन मैंने बताया था कि 182.60 रुपये के ऊपर बाइंग है, लेकिन आज की डेट में मार्केट जो है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एम पैटर्न के अभी नीचे है, और ये अभी भी क्या हुआ, यहाँ पर रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आ रहा है। इसको अगेन आप इस लेवल के आसपास सेल कर सकते हो और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसको आप देख लीजिएगा क्या है, यहाँ पर सेल करिए, 181-180 रुपये के टारगेट आसानी से आपको मिल सकते हैं। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप जो भी लें अपने रिस्क पर लें, सोच समझ कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।